नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर स्काई और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काइज। पिछली बार हम लोग यहां मोंटेरा में आ चुके थे। हमने मोंटेरा डोजो के कीपर से बात करने की कोशिश की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली जो उनका कीप क्या बोलते हैं उसको, एक सक्सेसर है लेनी, उसकी वो बात नहीं सुन रहे। उसके जो विजन्स है उसको वो चाइल्डिश मान रहे, तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और ये इसको हम हमारे श्राइन में एंटर नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। तो लेनी ने हमें कहा था कि जाओ जो भी गांव वाले हैं उनका विश्वास जीत लो, उनकी मदद करो, ताकि जब तुम वापस एंट्री करने की कोशिश करो डोजो में तो सारा गांव तुम्हारे पीछे खड़ा हो। तो इसीलिए वो चार क्वेस्ट दिए थे। एक क्वेस्ट था ये नेकलेस का जो हमें यहाँ पर मिला था, तो वो तो हमने डिलीवर कर दिया है। दूसरा था एक सामुराई के साथ हमने बैटल की थी, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा था कि ये जो अम्ब्रेला सिस्टर्स है उनको हराने का, वो भी हमने कर दिया। अब चौथा क्वेस्ट है एक लेडी को चाहिए स्टफल, उसको स्टफल देखना है सिर्फ, तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे वो पकड़ेंगे। लकीली हमने ऑलरेडी स्टफल को ढूंढ लिया था तो वो इसी रूट पर है, तो चलो ढूंढना शुरू कर देते। जैसे स्टफल आता है मैं आपके सामने वापस हाजिर हो जाता हूँ। ओके, स्टफल तो आ चुका है मगर उसको हम हराने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल होगा बाद में उसको पकड़ना। तो चलो डायरेक्टली क्विक बॉल ट्राई करते हैं, आई होप वो पकड़ में आएगा। देयर वी गो, गॉटचा, स्टफल वॉज कॉट सक्सेसफुली, वो हमारे टीम में आ चुका है। चलो फिर उस लेडी को वो स्टफल दिखा देते हैं। तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आ गया तो आपको भी इजीली वो मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर दिखा देता हूँ जहाँ पे वो स्टफल चाहिए, यानी यहाँ पर नहीं, आई थिंक वो ईवी का ट्रेनर किधर है जिसकी ईवी को उसको फाइटिंग टाइप में बदलने का है, वो वाले घर में हम लोग को जाना है। आई थिंक वो यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऊपर की तरफ। हाँ ये रहा वो घर, नहीं वो ईवी का ट्रेनर किधर है, कौन से घर में है वो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो श्राइन है, यहाँ पे तो पोकेमॉन सेंटर है। नहीं यार वो घर कहाँ गया, अभी अभी क्या घर ढूंढू क्या मैं। हाँ यहाँ पर है क्या फिर, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। शी यार अभी घर कहाँ गया, अभी घर कहाँ ढूंढू मैं, खाली फुकट काम लग रहा है यार, पीछे 2 सेकंड का काम है उसके पीछे भी मुझे 5 मिनट जा रहे हैं। घर ही ढूंढ के रखना चाहिए था पहले। हाँ ये रहा शायद, ये रहेगा फिर। हश एंटरिंग माय वीडियो, ये है ही नहीं, और फिर मुझे क्यों बताया गया कि ईवी वाले के घर में जाने का है, क्या यार झूठी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके ये है वो, दे लुक लाइक लिटिल टेडी बेयर्स, आई वुड लव टू सी वन। ओके मेरे पास है। ओके चार में से चार क्वेस्ट हो चुके हैं, मगर स्टफल हमें हमारी टीम में नहीं रखना है, तो इसलिए हम उसको डिपॉजिट कर देते हैं पीसी में। डिपॉजिट पोकेमॉन, स्टफल जाओ तुम अंदर जाके चिल करो, नर्स जाओ एक बार हील करके दो ताकि अभी हम डोजो की तरफ जा सके। चलो फिर अभी ऑफिशियली हम डोजो की तरफ अभी जा सकते हैं, हमने सारे क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं। वाह, योर नेम इज़ ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे अराउंड टाउन, आई थिंक दैट्स इनफ, सो यू कैन एटलीस्ट टेक द चैलेंज ऑफ द डोजो। आई शुड टेल मास्टर टॉनफार गुड लक। ओके सो मोस्टली फाइटिंग टाइप ट्रेनर्स रहेंगे। ओके सोडा पॉप, थैंक यू। चलोगे खिसका के जाना है क्या आगे। ओके पाथ बना लिया मैंने, डबल बैटल, मर्करो और चार्जार्ड को ही आगे रखना चाहिए फिलहाल। ये बैटल तुम कर लो, एक काम करता हूँ बाइट। अरे यार नहीं मरा वो, चलो सेफ साइड, मर्करो को आगे ही रखते। जाने के लिए मैंने पाथ भी बना दिया है। बैटल, कितने ट्रेनर से मालूम नहीं। ओह स्टफल फास्ट है वो, 25 लेवल का होने के बावजूद। जाओ नीडो क्वीन मंसलैक से सामने, लिकी टंग तुम ही रहो, नॉक ऑफ।
स्लैकॉथ, पॉइजन पॉइंट एबिलिटी नहीं है लगता है। ओके अभी देख देख के मुझे ढकेलना है इनको। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक ऊपर, और ये रहा वो रास्ता, ये भी ओपन करके रखता हूँ। बैटल ओ हॉनेज एम्बर ठीक रहेगा, ठीक है इसको भी हरा दिया इजीली। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट फ्लोर, निंजा दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पर। तो इसको ढकेल दूँ नीचे। नहीं 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 हाँ चल जा रहा है ठीक है। हाँ नहीं मैंने गलती कर दी कुछ, तो एग्जिट होके री एंट्री लेता हूँ। ओके तो ये यहाँ, ये वहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ओके बैटल, शायद वो डबल बैटल भी हो सकता था मगर ठीक है। फ्लेम बर्स्ट, कॉफिंग। ओके पहले जगह बना लेते हैं जाने के लिए। बैटल स्टंकी जुबैट, ठीक है तुम ही रहो। चलो ऊपर चलते। मास्टर टोनफा, स्काई प्रूव देमसेल्स वर्दी, व्हाट एल्स शुड दे डू टू विन योर रिस्पेक्ट? यू थिंक आई एम कन्विंस्ड बिकॉज दे आर गुड विथ आवर पीपल नाउ? आई टोल्ड यू द गार्डियंस आर गॉन, आई एम नॉट इवन कन्विंस्ड यू कैन फॉलो इन माई पाथ एनी मोर, दिस कॉन्वर्सेशन इज ओवर नाउ। स्काई आई एम सॉरी, आई रियली ट्राइड बट मास्टर टोनफा इज स्टिल नॉट कन्विंस्ड। नो दिस इज रिडिकुलस, इफ इट नीड्स टू बी आई विल फाइट यू। लेनी दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, यू आर ओवरस्टेपिंग बाउंड्रीज अगेन। मास्टर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई विल नॉट वेट एंड सी द सेंचुरी इज गेटिंग वायलेटेड, डू वॉट यू वॉन्ट। स्काई इफ यू आर रेडी गेट इन टू द पोजिशन। ओके वो बात ही नहीं करना चाहते। आर यू रेडी? यस। ओके देन शो मी ऑल यू गॉट। ओके ट्रेनर लेनी दो पोकेमॉन यूज करेगा, वो हाउलूचा पहला, हम जाएंगे विंग अटैक के साथ डायरेक्टली। अभी डिफिकल्टी भी अच्छी हो गई है। लुकारियो फ्लेम ओ डिटेक्ट, नाइस मूव। काम माइंड, एक और फ्लेम बर्स्ट, लुकारियो गया इसी के साथ। 4038, वाओ इट्स जस्ट लाइक इन द प्रोफेसी, देयर सीम्स टू बी अ लॉट मोर स्ट्रेंथ इन यू देन आई एंटिसिपेटेड। यू सी मास्टर टोनफा, नाउ यू हैव टू गिव स्काई अ चांस। Nobody was able to defeat my students, but a prophecy? All just empty talks. I shall battle you, Sky. Let's settle this once and for all. Sky, let me heal your party. The team of Sky healed completely. This is your chance, Sky. Give it your all. Are you ready to battle? Yes. Let's settle it fast. Okay. Keeper Tonfa. Teen Pokemon use karega wo. Pehla hai Ambipom. Hamare paas luckily ek fighting type Pokemon hai. Wapis aa jao Charizard. Nidoqueen jao. थीफ, मेरे पास कोई हेडेड आइटम है ही नहीं। एक्रोबैटिक्स, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे पॉइजन पॉइंट एबिलिटी नहीं है क्या नीडोक्वीन की? क्या यार, हाँ नहीं सोडा पॉप यूज़ करता हूँ मैं, ज़्यादा एक्सपी रिस्टोर होगी। उसने भी सुपर पोशन यूज़ किया ही। एक्रोबैटिक्स लगा ही था मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, जाओ लक्सरे तुम यूज़ करोगे स्पार्क। मेरे पास कोई आइटम है ही नहीं तो थीफ यूज़ कर रहा है। बिवेयर वापस आ जाओ, वो पार्टली फाइटिंग टाइप है। विंग अटैक, बॉडी स्लैम, एक फ्लेम बर्स्ट, पैंगोरो, एक और विंग अटैक। ओके पॉइजन जैब, एक और विंग अटैक, और इसी के साथ पैंगोरो भी गया। 4039, व्हाट गेम आर यू प्लेइंग? यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी? मास्टर टोनफा, स्काई वॉन इन दिस बैटल फेयर एंड स्क्वेयर, नाउ गिव हिम द स्ट्रेंथ एम्ब्लेम टू द एनर्जी इन द अराची कैटाकॉम्ब्स कैन बी सील्ड।
This should not be possible. I am the keeper of Montana. I got this task from my father, and my father got it from his father. I will not let my name be put into dirt. I do not need you. I will seal the energy in the catacombs myself. What do you children know about the responsibilities of a keeper? Master Tonfa looks like his pride was hurt. Now nobody is able to stop him. I guess he will go to Araji catacombs himself. The catacombs are dangerous for a man of his age. I shall at least try to stop him. You have to come as fast as possible by yourself. Okay? ठीक है? यहाँ पर तो वैसे कुछ है नहीं, हिडन आइटम भी नहीं है. चलो निकल लेते हैं. हमने ऑलरेडी शॉर्टकट तैयार कर ही लिया था. हील भी करना है मुझे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके okay. नहीं यहाँ पर नहीं, पोकेमॉन सेंटर यहाँ पर है. मुझे नीचे उतरना ही पड़ेगा. ये रहा पोकेमॉन सेंटर. पहले हील कर लेते हैं, उसके बाद ही जाएंगे उस श्राइन की तरफ. कैटाकॉम्स लेट्स सी. ओके हमें रिपेल यूज़ करना पड़ेगा अभी. एक फिलहाल इनफ है. Master Tonfa, wait up. Okay, Araji catacombs. चलो हम भी अंदर चले. कुछ नहीं यहाँ पर. Ripple effect wear off. हम continue ripple use करेंगे. कहाँ तो मुझे नीचे जाने का है. दो पाथ है जाने के लिए. रिपेल ओके यहाँ पर है वो. ओके मैं यहाँ पर जा ही नहीं सकता. छी यार सामने क्या है फिर. एरिया बंद नहीं है. ठीक है स्काई, जस्ट लाइक आई फियर, मास्टर टॉनफा फेल एंड लॉस कॉन्शियसनेस. यू हैव टू कंटिन्यू एंड सील द एनर्जी ऑफ दिस सेंचुरी. हियर टेक दिस. Lenny gives the strength emblem to Sky. With the strength emblem, you will be able to move large stones and objects. With it, you should be able to deal with the puzzles in these catacombs. Good luck. Okay. तो puzzle है कहाँ पर? ये okay. यहाँ पर देख लेते हैं क्या है पहले. Okay. यहाँ पर मैं जा नहीं सकता हूँ. What the heck? वहीं पे आ गया क्या मैं? ठीक है. उसको मैं यहाँ से हटा नहीं सकता हूँ. ओके. तो फिर करूँ क्या? उसको यहां से ढकेलना ही नहीं है मतलब. नहीं देखते से कुछ होता है क्या. ओके ये रूम ओपन हो गया. कुछ नहीं यहां पर. ओके अभी हम यहां से जा सकते. यहां पर कुछ तो है. ओके ये मतलब ओपन होगा. यहीं पर आना है मे बी लास्ट में. फिलहाल इधर ऊपर जाके देखते. नो रिस्पॉन्स. यहाँ पर डेड एंड है मतलब. मुझे पजल सॉल्व करना है मतलब. शीरे मुझे पजल अच्छा नहीं लगता. क्या करने का है.
ये नीचे वैसा बनाना है क्या? वैसे देखा जाए तो ओके, जैसे वैसे ही आते हैं क्या? फिर बाहर नहीं जाते इसके? ठीक है, मैं एक बार देख के आता हूँ कि पजल करना कैसे है। 2 मिनट दीजिए। ओके, मैं वापस आ चुका हूँ। ये जो बीच में आपको डिज़ाइन दिख रही है, यही हम लोग को क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलो, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी, एक यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये दो और ये तीन, ये तीनों मिडल वाले पार्ट है, तो इसको पहले छेड़ो मत। ओके, तो उसको पहले छेड़ने को जाओ मत, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टॉप लेफ्ट है उसको लगाएंगे, जो कि है ये। फिर आएगा मिडल पार्ट, रिपेल तो हम कंटिन्यू यूज करेंगे इच। फिर आएगा उसके राइट वाला पार्ट, ठीक है। फिर आएगा एकदम बॉटम, चलिए काम करते हैं, मिडल वाला पार्ट ही दे देते हैं पहले। ठीक है, अभी दे देते हैं लेफ्ट वाला पार्ट। अरे यार, अच्छा हुआ, मुझे लगा मैंने गया। मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए मुझे कभी कभी पसंद नहीं है बाबा। एक और पुश। ठीक है, ये हो गया पूरा प्रॉपर। ठीक है, ये पार्ट सबसे राइट में जाएगा। ये रहा यहाँ पर, ये वाला पार्ट मिडिल में जाएगा शायद, आई होप। हाँ यस, ये मिडल में ही पार्ट जाएगा, और ये जाएगा ये जो पार्ट खाली है वहाँ पर। ठीक है, दरवाज़ा भी खुल गया। यहाँ पर कोई भी हिडन आइटम तो है नहीं, जाने के लिए रास्ता भी मैंने बना दिया है। इन केस कुछ लफड़ा होता है तो भी हम इजीली जा सकते हैं। चलो नीचे चलते हैं, और नीचे जाना है, वाह। चलो फिर, रिपेल्स तो यूज़ करेंगे भाई। ओके, मतलब यहाँ पर जाने का है। एक और पजल, ठीक है, सेम पजल है क्या? यप, सेम पजल है, थोड़े दूर दूर है सिर्फ पीसेस, नहीं दूर दूर नहीं है, छोटे छोटे कर दिए उन्होंने पीसेस। और शीशी शीशी, पहले बॉटम बना लूँ क्या? एक काम करता हूँ, टॉप ही बनाता हूँ पहले। ये रहा वो टॉप का पहला, ओके, ये टॉप वाला पहला। ये राइट वाला पहला है, ये वाला, ये हो गया, ये बॉटम से पहला है यहां पर। ये शायद ना यहां पर होगा, ओके, आई थिंक ना अभी ये वाला आएगा। जी हाँ, ये वाला आएगा अभी। धक्का मारते पहले उसको धीरे धीरे, ओके। एक और चाहिए, तुम जाओ अपने जगह पर। हाँ ये रहेगा, यप, ये जुड़ गया। ऊपर का पार्ट चाहिए मुझे अभी, एक एकदम ऊपर का पार्ट है ये वाला। चलो इसको लेके जाता हूँ मैं ऊपर पहले।
ये रहा वो पार्ट, उसके साइड का ये रहेगा। जी हाँ रिपेल यूज करो भाई। ठीक है ये हो गया कॉर्नर्स, सिर्फ सेंटर बाकी है जिसमें मुझे एक एरो दिख रहा है वहां से व्हाइट वाला, और व्हाइट वाला एरो है यहां पर। एक काम करता हूँ मैं हटा देता हूँ सामने से। हाँ ये रहा व्हाइट वाला एरो, ओके उसके और कनेक्ट उसके कनेक्टेड एक चाहिए मुझे अभी। एक मिनट में आया। ओके ये लेके जाने का है मुझे ऊपर की तरफ यहाँ पर। ठीक है ठीक है, बाद में ये और एक पुश शायद से। ठीक है ठीक है, अभी ये लेके जाने का है मुझे शायद। यप यही है आई थिंक, ये ब्लैक ब्लैक का भी कंप्लीट हो जाएगा शायद। ये देखो ठीक है, इसको अभी यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा मुझे। अभी इनको एकदम केयरफुली लगाना पड़ेगा। ठीक है लेट्स सी। ओके ओके यप, एक और दरवाजा खुल गया यहां पर। यहां पर आना ही नहीं है, और पजल है क्या? ओके जाने के लिए एक रास्ता बना दिया मैंने भी वापस। अगर वापस पजल रहेगा तो आज हम यहीं पे रुक जाएंगे। हाँ ठीक है समझ गया मैं। आई थिंक ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ ठीक है ओके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।